हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दो फेज का कनेक्शन एक ही बोर्ड में करके दिखाऊंगा और कैसे हम यहीं से फेज को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको एक तार लेना है और तार को छील लेना है हमको और टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में लगा देना है। ये टू वे स्विच है दोस्तों, इसी की मदद से हम फेज को चेंज कर सकते हैं। हमें टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में तार को लगाना है और फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में तार को लगाना है। तो इस तरह से फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में तार को लगा देता हूं मैं। अब जो यहां से तार निकलेगा उसे हमें टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में लगाना है। अब क्या करना है देखिए, अब हमें फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में तार लगाकर स्विच में लगाना है। तो फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में तार को लगा लेता हूं मैं। ये देखिए, फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में हमको इस तरह से तार को लगा लेना है और इसे अच्छे से कस लेना है। अब यहाँ से जो सप्लाई आएगा उसे हमें हमारे बोर्ड में जितने भी स्विच हैं उन सभी में लगाना है। तो हमारे बोर्ड में दो स्विच हैं और एक इंडिकेटर है, तो इन तीनों के एक एक पॉइंट में हमको सप्लाई देना है। तो इस तरह से तार को छील लेंगे और इसे अच्छे से लपेट लेंगे और हम इसे दोनों स्विच के और एक इंडिकेटर के एक एक पॉइंट में लगा लेंगे। आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। हमें इन तीनों के एक एक पॉइंट को आपस में शॉर्ट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से पेज को खोल लेना है हमको और इन तीनों को इस तरह से शॉर्ट कर देना है। अब क्या करना है देखिए, फ्यूज से जो सप्लाई आ रहा है उसको हमें इस स्विच में लगाना है। आप तीनों जगह पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमको कनेक्शन कर लेना है। अब चलिए आगे का कनेक्शन करते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कनेक्शन होगा। अब हमें स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो इस तरह से तार को छील लेना है हमको और हमें टू पिन सॉकेट के एक पॉइंट में लगा देना है। आप किसी भी एक पॉइंट में लगा सकते हैं टू पिन सॉकेट के और फिर उसे हमें स्विच के साथ लगाना है। तो इस तरह से स्विच में तार को लगा देना है और उस तार को हमें टू पिन सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट में लगा देना है। अब देखिए, फाइव पिन सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो फाइव पिन सॉकेट के एक पॉइंट में तार को इस तरह से लगा देंगे। आप किसी भी पॉइंट में तार को लगा सकते हैं और इस तार को हमें स्विच के बचे हुए पॉइंट में लगाना है, मतलब कि ऊपर में लगाना है। इससे क्या होगा, स्विच से हमारा सॉकेट ऑन ऑफ होगा। अब देखिए क्या करना है हमको, अब हमारे पास एक टू पिन सॉकेट का पॉइंट बचा है, एक फाइव पिन सॉकेट का पॉइंट बचा है और एक इंडिकेटर का पॉइंट बचा है। तो इन तीनों को हमको शॉर्ट करना है तार की सहायता से। तो इस तरह से तार को छील लेंगे और उसे हम टू पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में लगा देंगे। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में लगाना है और इसी में एक तार लगाकर हमको फाइव पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में लगाना है। तो इस तरह से तार को छील लेना है हमको और उसी तार के साथ लपेट लेना है और उसे इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में लगाकर कस लेना है। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें फाइव पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में लगाना है। और
ये देखिए हमारा बोर्ड वायरिंग हो गया कंप्लीट। अब चलिए इसमें सप्लाई कहाँ कहाँ देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फेज सप्लाई तो हमको टू वे स्विच में देना है और न्यूट्रल सप्लाई हमको इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में देना है। तो इन तीनों तार की मदद से मैं इसमें सप्लाई दूंगा। ये देखिए इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है। यहाँ पे हमारा न्यूट्रल सप्लाई आएगा। यहाँ पे हमको फेज सप्लाई नहीं देना है, यहाँ पे हमको न्यूट्रल सप्लाई ही देना है। अब देखिए आगे क्या करना है। ये जो दो लाल तार है इसमें हमको फेज सप्लाई देना है। दो अलग अलग फेज आएगा इस बोर्ड में। तो इस तरह से टू वे स्विच के एक एक पॉइंट में हमको एक एक फेज के तार को लगा लेना है। तो इस तरह से कनेक्शन होगा इस बोर्ड का दोस्तों। अब चलिए इसको बंद कर लेता हूँ इसके बॉक्स में, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया। अब हमें ब्लैक तार में न्यूट्रल सप्लाई देना है और रेड तार में हमको फेज सप्लाई देना है। आप दोनों लाल तार में अलग अलग फेज सप्लाई दे सकते हैं और इस स्विच को ऊपर नीचे करके फेज को चेंज भी कर सकते हैं। टू वे स्विच को ऊपर नीचे करके हम फेज को चेंज भी कर सकते हैं।